जितना भी प्रधानमंत्री का मन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी। आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है कि दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां होती रही हैं राजनीति के अंदर, अंग्रेजों के ज़माने में भी गिरफ्तारियां हुआ करती थी, मगर जिस मानवीयता का अंग्रेज भी ध्यान रखते थे, सब देशों के अंदर जो न्यूनतम मानवीय मूल्य हैं, मिनिमम ह्यूमैनिटी है, उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। कल मैं वहीं पे था, अरविंद केजरीवाल जी की माताजी पिताजी लोग जो जाते हैं उनको मालूम है कि खुद बिना सहारे के चल भी नहीं पाते हैं, एक आदमी उनको सहारा दे के वॉक कराता है। 80-85 साल की उनकी उम्र है, 2 बच्चे हैं। आपने अरविंद जी को गिरफ्तार कर लिया, रात को आप उनको ले गए, परिवार अब घर पे है। जो एक न्यूनतम मानवीयता है वो ये है कि परिवार के जो रिश्तेदार हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री थे, वो अरविंद जी की पत्नी से, माता पिता से, बच्चों से मिलके कम से कम ये तो कहेंगे कि माताजी पिताजी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी, कल से अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्यों? ताकि ये मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, ट्रॉमा उनको रहे कि देखिए आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, एक मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी। केजरीवाल जी को उनके परिवार से मिलने की इजाजत है, अरविंद केजरीवाल जी को उनके वकील से मिलने की इजाजत है, और अरविंद केजरीवाल जी अपने आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है, डिटेन किया गया परिवार को, केजरीवाल के पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है। मैं आपको आज मनी ट्रेल सबूतों के साथ सामने रखता हूं। आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई आज। कल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी को किस किस ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया ये डिस्क्लोज हुआ, तो उसके अंदर किनका नाम आया मैं आपको बताता हूं, और सबूतों के साथ आ गया। हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं पी शरत रेड्डी, औरविंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, औरविंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं।
एक्साइज के तथाकथित मामले में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया 11 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, भारतीय जनता पार्टी को दिए, ये बात स्थापित हो गई आज। उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब अरबिंदो फार्मा के पी शरत चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए, तो उसके बाद दोबारा से 21 नवंबर 2022 को वो सरकारी गवाह बने और उसके बाद ही माफ कीजिएगा जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए और नवंबर 2023 में यानी कि सरकारी गवाह बनने के बाद उन्होंने 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड अरबिंदो फार्मा ने खरीदे जो भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। कहने का मतलब यह है, एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है, ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है अरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात और आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है, मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी तक जा रही है। मैं नहीं जानता कि कोर्ट आज इन चीजों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मगर जनता ये सब देख रही है, ये चीजें सब पब्लिक डोमेन के अंदर है। मैं भारत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को खासतौर पर निवेदन करूंगा, जो कल से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दी, आप जरा यह भी देख लीजिए कि यह पैसा तो भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में आया है। आप ये नैतिकता का सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है, मगर आप ये सोचिएगा मन में कि खुशियां तो आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मना रहे हैं और पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है।